हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पेप्टिक अल्सर डिजीज। सो व्हाट इज अ पेप्टिक अल्सर डिजीज? पेप्टिक मींस स्टमक एंड अल्सर मींस सोर और ब्रेक इन अ मेम्ब्रेन। सो पेप्टिक मीन्स स्टमक और अल्सर मीन्स सोर और ब्रेक इन अ मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज अ पेप्टिक अल्सर डिजीज? एसिड पेप्टिक डाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री म्यूकोसा। एलिमेंट्री म्यूकोसा मीन्स म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो एसिड पेप्टिक डाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री म्यूकोसा विल रिजल्ट इन एन अल्सर। उसी को हम लोग कह रहे हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। So, due to excessive production of hydrochloric acid or proteolytic activity of pepsin enzyme, तो acid peptic digestion of elementary mucosa will result in an ulcer। तो उसी को हम लोग कह रहे हैं peptic ulcer disease। जो common sites होती हैं peptic ulcer disease की वो क्या होती हैं? stomach and duodenum। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज की कॉमन साइट जो होती है वो स्टमक एंड ड्यूडेनम होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है कि इनर लेयर जो होती है वो होती है म्यूकोसा, एंड म्यूकोसा के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं एपिथेलियल लेयर, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलारिस म्यूकोसा। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है जीआई ट्रैक की, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, वो क्या होती है? म्यूकोसा। म्यूकोसा भी फर्दर डिवाइडेड होती है एपिथेलियल लेयर में। एपिथेलियल लेयर जो होती है वो इनर मोस्ट होती है, फिर मिडिल में लैमिना प्रोप्रिया, एंड फिर इनर जो आउटर मोस्ट होती है वो होती है मस्कुलारिस म्यूकोसा। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा की वो एपिथेलियल लेयर है, मिडिल में लैमिना प्रोप्रिया, एंड जो आउटर मोस्ट होती है वो मस्कुलारिस म्यूकोसा होती है। तो जो एपिथेलियल लेयर होती है इनर मोस्ट होती है, एपिथेलियल लेयर जो होती है वो इनर मोस्ट होती है, वो सिक्रेट करती है म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो एपिथेलियल लेयर होती है वो सिक्रेट करती है म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। लैमिना प्रोप्रिया जो होती है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, एंड मस्कुलारिस म्यूकोसा जो होती है उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं। तो मेन डिफरेंट टाइप के जो एपिथेलियल लेयर होती है वो उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं इन द डिफरेंट रीजन ऑफ स्टमक। दैट इज कि कार्डियक रीजन में फोवियोलर सेल्स होते हैं, फंडस एंड बॉडी में पेराइटल सेल्स होते हैं, चीफ सेल्स होते हैं, और एंट्रम रीजन में जी सेल्स होते हैं। तो इन सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे कि पेराइटल सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं HCl, और जो हमारे चीफ सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजन, जी सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन। तो ये हो गई कि हमारी नॉर्मल जो GI ट्रैक्ट होती है जो कि लाइन विद म्यूकोसा है, उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उस लेयर में फिर जो एपिथेलियल लेयर है फिर उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं वो कि सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? एसिड पेप्टिक डाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री म्यूकोसा। कॉमन साइट्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज स्टमक एंड ड्यूडेनम। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिपेंडिंग ऑन द साइट एंड डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन। साइट के बेसिस पे क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर होते हैं, ये मोस्ट कॉमन होते हैं। क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर एंड कंबाइंड में गैस्ट्रिक अल्सर टाइप 2, जिसको हम लोग कहते हैं जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो होता है ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है। हेड ऑफ पैनक्रियाज में पाया जा सकता है, ड्यूओडेनम में भी पाया जा सकता है। ये तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है इसकी वजह से एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है गैस्ट्रिन का।
डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन, एक्यूट पेप्टिक अल्सर, क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर. सो बेसिकली टू टाइप के अल्सर्स होते हैं मेनली, क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर एंड क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर. क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर जो होता है उसकी एटियोलॉजी जो होती है, मेन कॉज उसमें होता है हाइपर एसिडिटी. न्यूरोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, उसमें क्या होता है स्टिमुलेशन ऑफ वेगस, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एसिड. जब वेगस नर्व होती है उसमें उसका स्टिमुलेशन होता है तो एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, इंक्रीज एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. अब वेगस नर्व क्यों स्टिमुलेट हो सकती है, ड्यू टू एंजाइटी, वरी. और जब वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी, एक्सेसिव स्टिमुलेशन होगा उसका, तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से अल्सर हो सकते हैं. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से भी. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं वो एक एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, उसको इनिबिट कर देती हैं. वो एंजाइम जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन करता है. प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है उसकी प्रोटेक्टिव एक्टिविटी होती है, वो एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है. तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन. एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की क्या होती है प्रोटेक्टिव, इसकी वजह से प्रोटेक्टिव जो एक्टिविटी होती है लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से अल्सर हो जाते हैं. फूड हैबिट्स में स्पाइसी फूड, अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग. बैक्टीरियोलॉजिकल कॉजेज में एच पायलोरी. एंड एंडोक्राइन कॉजेज में वही जॉलिंगर एलिजन सिंड्रोम. नाउ वी विल सी व्हाट आर द इटियोलॉजी, व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर. तो क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में हाइपर एसिडिटी देखने को नहीं मिलती है. क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर में हाइपर एसिडिटी देखने को मिलती है, लेकिन क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में नहीं मिलती. नेक्स्ट इज अल्सर अकर ड्यू टू डिफेक्टिव गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर, थिक कोट ऑफ म्यूकस इम्परमिएबल टू पेप्सिन. तो अल्सर जो होता है इसमें अल्सर किसकी वजह से होता है, डिफेक्टिव गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर की वजह से होता है. ये जो होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर जो होता है ये थिक कोट होता है म्यूकस का, जो कि पेप्सिन के लिए इम्परमिएबल होता है. लेकिन इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से पेप्सिन जो होगा वो म्यूकोसा लेयर में पेनिट्रेट कर जाएगा और फिर वो प्रोटोलिटिक एक्टिविटी की वजह से डिस्ट्रक्शन करेगा और वो डैमेज करेगा. फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से होगा, तो वही बताया कि उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है. एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है उसकी प्रोटेक्टिव एक्टिविटी होती है, एसिड के सिक्रीशन को डिक्रीज करता है. दूसरा एपिथेलियल लेयर में जो सेल्स हैं उनके उनके ग्रोथ को प्रमोट करता है. फूड हैबिट्स स्पाइसी फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग. तो मेन चीज़ जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर में हाइपर एसिडिटी कॉज हो सकता है, लेकिन क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में हाइपर एसिडिटी कॉज नहीं होता. यहाँ पे नो हाइपर एसिडिटी है. क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर ड्यू टू एंजाइटी, वरी, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, तो उसकी वजह से एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाएगा. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से, बट ये क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर में इतना कॉमन नहीं, गैस्ट्रिक अल्सर में ये ज़्यादा कॉमन है. नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से जो ज़्यादातर गैस्ट्रिक अल्सर कॉज होते हैं, ना कि ड्यूडेनल अल्सर. बैक्टीरियोलॉजिकल कॉज, क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर जो होता है वो एच पायलोरी के इन्फेक्शन की वजह से होता है. और एंडोक्राइन में जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम. लेकिन क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में हम लोग देखते हैं कि अल्सर जो होता है वो ड्यू टू डिफेक्टिव गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से होता है और फूड हैबिट्स की वजह से होता है. सो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द एटियोलॉजी ऑफ क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर एंड क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर. नाउ वील ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर एंड क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर, कि हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्लिनिकली कि कौन सा ड्यूडेनल अल्सर है, कौन सा गैस्ट्रिक अल्सर है. तो मेन बात याद रखनी कि क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर जो होता है वो मोर कॉमन होता है एंड क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर लेस कॉमन होता है. क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर की जो साइट होती है वो फर्स्ट इंच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होती है. एंड क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो मोस्टली लेजर कर्वेचर और प्री पायलोरिक रीजन में होता है. पेन का फीचर क्या है, क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर में क्या होता है, हंगर पेन होता है ड्यू टू एसिड इरिटेटिंग द अल्सर. और इसका जो पेन होता है क्रॉनिक ड्यूडेनल अल्सर में वो रिलीव हो जाता है, रिलीव्ड ऑन टेकिंग फूड.
बिकम सीवियर आफ्टर 1 to 2 आवर ऑफ फूड, लेकिन फूड लेने से रिलीव हो जाता है, उसके 1-2 घंटे बाद सीवियर हो जाता है। बर्निंग इन नेचर है, इसके साथ हार्ट बर्न भी होगा और इंक्रीज सलाइवेशन भी देखा जाता है। क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है कि पेन अकर्स ऑन टेकिंग फूड, फूड लेने से पेन होता है एंड इट इज़ रिलीव बाय इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, एंड वॉमिटिंग से रिलीव हो जाता है पेन। इसमें भी बर्निंग नेचर का पेन है एंड वॉमिटिंग जो होती है वो फ्रीक्वेंट होती है एंड अकर्स इमिडिएटली आफ्टर फूड। तो वॉमिटिंग जो होती है वो क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में ज़्यादा कॉमन है, वॉमिटिंग ड्यूडनल अल्सर में लेस कॉमन है। तब भी होती है ड्यूडनल अल्सर में जब पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाती है, तब होती है क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर में, लेकिन क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में वॉमिटिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। फ्रीक्वेंट एंड अकर्स इमिडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड। क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर में वेट गेन होता है, क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर में वेट गेन होता है एंड क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर जो होता है नेवर बिकम मैलिग्नेंट, ये कभी भी मैलिग्नेंट नहीं होता, कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता, इसके बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल चांसेस हैं। एंड क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर को क्लिनिकली हम लोग देखेंगे तो उसमें हमें टेंडरनेस मिलेगी, टेंडरनेस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। एंड क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में जब हम लोग देखेंगे तो क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में वेट लॉस मिलता है, इट कैन बिकम मैलिग्नेंट, इसके चांसेस हैं 0.5 से 5% के मैलिग्नेंट हो जाए, और टेंडरनेस देखने को मिलेगी इन द एपिगैस्ट्रियम रीजन। मेलेना जो होता है, ब्लड इन स्टूल जो होता है, वो क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर में ज़्यादातर देखा जाता है इन कंपेरिजन टू क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर। सो ये डिफरेंसेज हैं इन द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर एंड क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर। नाउ वी विल सी व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस डन इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है पेप्टिक अल्सर डिजीज में, तो फर्स्ट इज ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी, इसको कॉमनली एंडोस्कोपी भी कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होता है कि अल्सर अपीयर एज क्रैटर विद और विदाउट ब्लीडिंग इन देयर टिपिकल लोकेशन, तो इसमें ये बताया गया कि अल्सर कैसे अपीयर होता है। इन गैस्ट्रिक अल्सर रूटीन बायोप्सी इज डन टू रूल आउट मेलेग्नेंसी, गैस्ट्रिक अल्सर के केस में क्या होता है कि रूटीन बायोप्सी भी कराई जाती है कि मेलेग्नेंसी तो नहीं है उसको पता करने के लिए। एंड ड्यूडनल अल्सर में क्या होता है, इन ड्यूडनल अल्सर बायोप्सी इज डन इन रिकरेंट केसेस टू रूल आउट एच पाइलोरी इन्फेक्शन, बट ड्यूडनल अल्सर में बायोप्सी रिकरेंट केसेस में इंटरमिटेंट केसेस में कराई जाती है एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को रूल आउट करने में, क्योंकि ड्यूडनल अल्सर जो होता है वो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो सकता है, मोस्टली जो होता है ड्यूडनल अल्सर में एच पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है वो मैलिग्नेंट हो सकते हैं, ड्यूडनल अल्सर कभी मैलिग्नेंट नहीं होते। सेकेंड टेस्ट इज बेरियम मील स्टडी टेस्ट, इट इज़ नॉट डन नाउ डेज, आजकल ये नहीं कराया जाता है बट है, ये एक इन्वेस्टिगेशन कराया जाता था। इसमें क्या होता है कि ड्यूडनल अल्सर जो होता है उसमें डिफॉर्म ड्यूडनल कैप देखने को मिलती है, ट्राईफोलियर डिफॉर्मिटी कैन ऑल्सो बी सीन वेन सेकेंडरी ड्यूडनल डाइवर्टिकुलम अकर्स। इन गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, अपियर्स एज अ निच इन द लेजर कर्वेचर ड्यू टू अल्सर क्रैटर एंड एज अ नॉच ऑन द ग्रेटर कर्वेचर ड्यू टू स्पैज्म ऑफ द स्टमक, दिस इज निच एंड दिस इज नॉच, ऐसा देखने को मिलता है बेरियम मिल स्टडी में। ऑल्सो डन टू डिटेक्ट गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, इसको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, इसके लिए भी इसको कराया जाता है। थर्ड इज टेस्ट फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं उसमें कौन कौन से, सेरोलॉजिक टेस्ट, यूरियस ब्रेथ टेस्ट, हिस्टोलॉजिक टेस्ट एंड कल्चर टेस्ट। तो दीज आर दी कॉमन इन्वेस्टिगेशन विच आर डन इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज, मोस्ट कॉमन इज एंडोस्कोपी, जिसको ही हम लोग कह रहे हैं ईसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी। बेरियम मील स्टडी इज नॉट डन नाउडेज एंड एच पायलोरी के लिए टेस्ट किए जाते हैं सेरोलॉजिक टेस्ट, यूरियस ब्रेथ टेस्ट, हिस्टोलॉजिकल टेस्ट एंड कल्चर टेस्ट। So I hope you have understood completely about the peptic ulcer disease in short. And if you like my video, please subscribe to my channel. And you can also get the handwritten notes with the help of link given in the description of the video. Thank you.